अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ में आशा वर्करों ने बताया कि 2019 में होगा हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में आशा वर्करों ने 17 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2018 तक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चलाया था। 1 फरवरी 2018 को आपकी अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों के साथ यूनियन प्रतिमंडल की बातचीत हुई व मांगों को स्वीकार कर लेने व स्वास्थ्य मंत्री के इस अनुरोध पर कि जल्द ही स्वीकृत मांगों के बारे में चिट्ठी जारी हो जाएगी, उन्हें आंदोलन के चलते माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में फिर 15 जून 2018 को बैठक होकर विभाग ने समझौते के बिंदुओं की मिनट्स जारी की। वे आश्वासन दिया कि चंद दिनों में ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हमने इसके लिए 1 महीने का समय सरकार व विभाग को देकर अपना आंदोलन 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आशा वर्कर्स में सरकार विभाग के रुख को लेकर भारी रोष है। राज्य की तमाम आशाओं ने 16-17 जुलाई को करनाल में महापड़ाव करके अब अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसलिए आज SMO महेंद्रगढ़ को लिखित में ज्ञापन देकर यह अवगत करा दिया गया है कि हम आज से अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। सर, मेरा नाम कांता देवी, मैं सर्वकर जिला प्रधान हूँ महेंद्रगढ़ से, और हमारा स्ट्राइक का मेन मुद्दा ये है सर, जो हमारा 1 फरवरी को जो समझौता हुआ था सरकार ने हुबहू लागू करने के लिए बोला था, बट सरकार ने ऐसा नहीं किया। जो 2000-4000 रुपये हमारे जो फिक्स करने के लिए बोला था उसके अंदर हमारा उसकी कैपिंग लगा दी गई कि जो वर्कर अगर 4000 रुपये उसके तभी डलेंगे जब वो 2000 रुपये का पर मंथ उसका काम होगा। तो सर, क्या जिसका जो 1995 रुपये का काम करती है, क्या वो आशा वर्कर फील्ड में नहीं घूमती है? क्या वो स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नहीं है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक एक आशा वर्कर अपने घर परिवार को छोड़ के और स्वास्थ्य के विभाग में लगी हुई है, अपने काम में लगी हुई है, तो उसके अंदर कैपिंग किस चीज़ की? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। और फिर 15 जून को हमारी फिर 7 जून से फिर हमारा हड़ताल फिर शुरू हो गई, क्योंकि हमारा डेलीगेशन एक बार नहीं दो बार नहीं कम से कम 7-8 बार सरकार के साथ जाके मिला, और फिर ये हमारा 4000 रुपये का जो समझौता हुआ था ये लागू हुआ, जो कि इसमें कैपिंग लगा दी गई। फिर डेलीगेशन को फिर बुलाया गया, फिर सरकार ने फिर ये कहा कि हम आप हड़ताल पे मत जाइए, हम आपका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर 7 जून से फिर हमारा हड़ताल शुरू हुई, 15 जून को फिर ये एक समझौता लागू हुआ जिसकी मिनट्स भी जारी की गई सरकार के अंदर, और आश्वासन दे के हमें उठा दिया गया हड़ताल से कि आपका 15 जुलाई को आपका समझौता जो हुआ को हुआ जो पहले जो 1 फरवरी से जो लागू हुआ था वैसा का वैसा हम लागू कर देंगे। लेकिन ये निकम्मी नाकारा सरकार एक चिकना गड़ा है, बेशर्म की तरह सरकार है ये, जो कि है ना आशाओं का हर तरह से आर्थिक शोषण कर रही है, और हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे और ज़ोरदार लड़ाई लड़ेंगे। सरकार हमें इंजेक्शन देके देख रही है कि ये सोए हुए हैं या मरे हुए हैं। हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि हम न सोए हुए हैं और न हम मरे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा कदम उठाया जो हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हुड्डा सरकार को दिखाया था, कांग्रेस को दिखाया था, आने वाले समय में 2019 के अंदर इस सरकार का हम सुपड़ा साफ कर देंगे, यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।